वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। यार मैं छत पे हूँ, सॉरी इसको इग्नोर करिएगा, लेकिन खैर मैं छत पे हूँ क्योंकि मुझे आज कमरे में वीडियो बनानी थी लेकिन कमरे में कुछ बना नहीं पाया मैं, तो इस वजह से मैं भी छत पे आया हूँ। तो आज एक समझे छोटा सा व्लॉग टाइप वीडियो है। तो दो दिन गेम्स खेलने के बाद मैं थोड़ा सा बोर हो गया था, गेम की वीडियो कल बना दूँगा। तो लेकिन आज की जो वीडियो है, दिस इज़ ऑन माय लाइफ जर्नी, मतलब ये समझो मेरा रिवाइंड, मतलब फिलहाल किसी ने मांगा तो नहीं था मेरा रिवाइंड, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक जो कुछ भी किया है, ख़ास हर एक एक साल में, मैं वो 2005 में मैं पैदा हुआ था, 5 से लेके 19 तक बताऊँगा क्योंकि 20 अभी शुरू हुआ, 20 को अभी से 2 दिनों है, तो 20 में अभी तक फिलहाल इतना ख़ास कुछ किया नहीं है। खैर तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2005 से लेके कुछ 2009 तक कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे छोटा सा था मैं उस वक्त, तो मुझे कुछ ख़ास याद नहीं उस वक्त तक का। तो स्टार्ट करते हैं 2009 से। तो 2009 की बात है, जैसे आप लोग को पता है मैंने एक वीडियो बनाई थी इनसाइड माइंड ऑफ माइंड अभी 2019 में बनाई थी, और उस वीडियो में मैंने कुछ बातें कही थी अपने दिल की, और वो बातें मैं जिस तरह से कहना चाह रहा होता हूँ ना, और जिस तरह से मैं वो बातें सोच रहा हूँ उस तरह से मैं वो कभी भी नहीं कह पाता, और मुझे उस तरह से वो बातें कहनी है क्योंकि मैं मतलब अभी ये बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे जहन में वही चीज़ चल रही है जो मैंने 2012 से लेके कुछ 2012 तक मैंने जो चीज़ें की थी, और वो दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन। तो मैं किसी भी अपने दोस्त के साथ नहीं होता था, बहुत अकेला सा होता था, लेकिन वो दिन मैं आज भी सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ अगर मेरे पास टाइम मशीन होती, मुझे पास में जाने का मौका मिलता, मैं कहीं भी नहीं जाता सिवाय उस जगह के उन दिनों में। तो होता कुछ यूँ था कि मैं मतलब बहुत अकेला सा होता था, कोई दोपहर के वक्त रोज़ नीचे अपनी खाला के पास जाके बैठ जाया करता था, बहुत छोटा था मैं, और सीरियसली मैं उन दिनों बहुत एक मतलब बहुत ही एक सीधा साधा तो होता था उस वक्त। जैसा आप लोगों को पता कराची के हालात इतने कुछ सही भी नहीं थे, मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, और मैं जो उस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजारता था उन दिनों में कुछ इतना ख़ास नहीं होता था, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए हमेशा मेमोरेबल रही और मुझे आज तक अपनी मेमोरीज याद हैं, और मैं बहुत खुश होता हूँ सीरियसली कि शायद मेरी जैसे सबकी ज़िंदगी अच्छी होती है, लाइफ इज़ गुड, और मेरी ज़िंदगी शायद इस मौके पे आके बहुत अच्छी हो गई थी, और मेरा ख्वाब है कि मैंने आप लोग को ये चीज़ उस तरह से फील करवा के दिखानी है जिस तरह से जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो मैं फ़ील करता हूँ वो चीज़, वो ओल्ड मेमोरीज़। और मेरा ख्वाब है कि किसी दिन मैं कोई शॉर्ट फिल्म या फिर कोई वीडियो बनाऊँ जिसकी स्टोरी सब कुछ उसका मतलब एक वो चले उस लेन में वो वीडियो के, लोगों को फ़ील हो वो चीज़, क्योंकि मैं जब होता था नीचे तो उस वक्त इतना सोचता था कि जब 2009 की बात है तो आज जो भी मैं नई मतलब आज जो भी मैं पुराने यूट्यूबर्स को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं जब उस वक्त ऐसे अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे लम्हे गुजार रहा था तो उस वक्त ये क्या कर रहे होंगे। और कभी मैं कोई पुरानी वीडियो देखता हूँ तो मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि मैं सोचता हूँ कि उस वक्त मैं क्या कर रहा हूँगा जब ये वीडियो अपलोड हुई होगी, उस दिन मैं क्या कर रहा हूँ। और 2009 के बाद 2009 में मैंने जैसा आप लोग बताया मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज होती थी, उसके बाद आया 2010 में कुछ यूँ हुआ कि मैं एक साल बड़ा पहली बात तो, और मेरे मामू पी आई ए में जॉब करते हैं थे, मतलब वो रिटायर हो गए, तो उस चीज़ में मतलब ये मेरी कुछ प्राइवेट चीज़ें मैं बता रहा हूँ, लेकिन खैर उस चीज़ में मुझे याद है कि आज तक मैं दोपहर कोई सुबह मेरी अम्मी मुझे ऐसे नीचे छोड़ देती थी खाला के पास, क्योंकि मेरा नीचे बहुत दिल लगता था, मैं पहले दो चीज़ें बहुत शौक से देखता था, क्रिकेट और मिस्टर बीन, और अब मुझे इन दोनों में से कुछ भी देखने का इतना ख़ास शौक नहीं है, मैं देख लेता हूँ क्रिकेट लेकिन हाँ मिस्टर बीन तो नहीं देखता मैं। खैर तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत देखने का शौक होता था, मैं अपनी खाला के साथ बैठा रहता था, और उसके बाद मैं शाम तक, मुझे आज तक याद है कि मेरे मामू आते थे और कुछ ना कुछ मेरे लिए लेके आते थे। तो उसके बाद
वो जो मेरे मतलब दिन थे, मतलब अगर मेरा कोई भी मुझे कोई ऐसा अपना जानने वाला मिलता है जो मेरे साथ उन दिनों में होता था, तो मैं सीरियसली गाइस बहुत खुशी होती है मुझे भी। मेरी वो लाइफ जो थी, मैं आज भी सोचता हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी बुरी नहीं है। मतलब कभी कभार आपको भी कभी कुछ लम्हों में आ गया ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यार लाइफ इज़ सबसे बुरी ज़िंदगी मेरी है। जैसे मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। मेरे साथ भी एक बार ऐसी एक कहानी हुई थी मेंटल हेल्थ के ऊपर, वो मैं किसी और दिन बात करूँगा उस चीज़ के ऊपर। तो मतलब कोई बंदा कभी यार सुसाइड के ऊपर भी चले जाता है, लेकिन हर एक बंदे की ज़िंदगी में ना अगर कहीं नाकामी है तो एक जगह इतनी खुशी होगी कि वो बंदा मतलब अगर कभी अपनी ज़िंदगी पे फोकस करेगा तो उसमें उसको बहुत खुशी नज़र आएगी। तो फिर मेरी ज़िंदगी 2009 से लेकर 12 तक उसी जगह थी। फिर 2010 आया और 2011 पे आते हैं। तो 2011 में जैसे मेरे पास आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है 2020 के लिए, उसकी मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन हम पहले बहुत सारे बहुत पुराने ना दोस्त हुआ करते थे। जैसे मैंने अभी जो कैफेलैंड गेम का गेम खेला था उसमें मैंने वो, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। उस वीडियो में मैंने बताया था कि पहले हम सारे दोस्त बैठ के खेला करते थे। तो हम बहुत से दोस्त होते थे पहले, मतलब हम सारे पड़ोसी थे आपस में, उनमें से सिराज भी था, तो सिराज पे भी बाद में बात करेंगे। तो उन दोस्तों में मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे दिन गुजारे उन दोस्तों के साथ। तो कुछ होता यूँ था कि वो दोस्त जो थे मेरी ज़िंदगी के बहुत ही मतलब ख़ास दोस्त थे, उनमें से आज के साथ आज भी मैं बहुत से लोगों के साथ बैठता हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुछ से बात नहीं है, कुछ बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हम लोग पहले बैठ के एक बहुत से फेसबुक गेम्स खेला करते थे और उन चीज़ों के बारे में बात करा करते थे। हम लोग के बीच में बहुत सी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन किस दोस्ती में लड़ाई नहीं होती। और उसके बाद फिर हम लोग की मतलब दोस्ती भी दोबारा हो गई थी। और फिर उसके बाद आया 2012, 2012। तो 2012 में मुझे याद है कि मुझे 2012 के बारे में फ़िलहाल इतना कुछ ख़ास याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है जैसे मैंने अभी आप लोग से दोस्तों के बारे में बात की, तो वही दोस्त 2012 में बहुत ही एक मतलब बीच में 2012 में उनसे सब मतलब हम सब की कुछ आपस में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। और इसके बाद हम लोगों ने मतलब बहुत कम आपस में बैठना शुरू कर दिया था। मतलब हम लोग अलग जगह चले गए, तो बाकी के दोस्त अलग जगह चले गए। तो उसके बाद कुछ अलग एक साथ थे, कुछ हमारे साथ थे, मतलब ऐसे हो गई। उसके बाद आया 2013, और 2013 में थे इलेक्शंस। तो एक ये बस ख़ास पॉइंट है 2013 का। और हमारे कुछ और दूसरे दोस्त बने थे जिनसे अब मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता। मतलब मेरी बहुत से दोस्त बने, मेरे बहुत दोस्त थे, लेकिन बहुत से दोस्तों से लड़ाई हुई है। और एक और दोस्त बना था मेरा, एक वो दोस्त था, उसका नाम था हसाम नाम था आई थिंक सो उसका, हाँ हसाम नाम था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन उसके बाद उससे लड़ाई नहीं हुई, वो यहाँ पर रेंट पर रहा करता था। और उसके बाद फिर वो लोग वो घर छोड़ के चले गए। फिर आते हैं 2014 पे। तो 2014 में कुछ यूँ हुआ कि जैसे अब मैं बात करता हूँ ज़रा सिराज के ऊपर, तो हमारी मतलब मेरी फिर सिराज से भी लड़ाई हो गई थी। सिराज और मेरे दो दोस्त हैं काशिफ और असन, वो आज भी मेरे दोस्त हैं, पुराने दोस्तों की जो मैंने बात की जो 2012 में, मतलब 2012 से पहले थे, लेकिन हम लोगों ने ये अपनी मेमोरी फेसबुक के गेम्स की जो आज तक हम लोग को याद है, ड्रैगन सिटी, कैफे लैंड, मॉन्स्टर लेजेंड्स, ये तीन गेम जो हम लोग खेला करते थे, उन दोस्तों में से सिर्फ अब मेरे सिर्फ दो ही दोस्त हैं, काशिफ असन और एक सिराज। सिराज तो आप लोगों ने हमारी वीडियो में भी देखा होगा। तो फिर आते हैं सिराज और फिर, तो सिराज से भी फिर हो गई थी थोड़ी बहुत लड़ाई। और 2014 के बाद फिर 2014 में ही हमारी काशिफ लोग से वापस बात हुई। और उसके बाद मतलब आज 2020 में मेरी और काशिफ हसन की और सिराज की दोस्ती को देखा जाए तो 11 साल हुआ है, 11 साल हमारी दोस्ती को। बीच में लड़ाई हुई है, लेकिन दोस्ती जहाँ बनी थी 2009 से लेकर 2020, 11 साल हुआ है। तो उसके बाद 2021
बीस 2014 पे आते, 2014 में यही कुछ हुआ, 2015 में फिर आया वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप के वक्त मुझे इतना याद है कि जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा था तो मैंने काशिफ लोगों से बैट लगाई हुई थी कि पाकिस्तान जीतेगा, मतलब काशिफ भाई बड़ा हसन से, और मेरे भाई और हसन ने मुझसे लगाई हुई थी कि इंडिया जीतेगा 100-100 रुपये की। और उस वक्त 2015 में मेरे 100 रुपये बहुत अहमियत रखते थे, अभी भी रखते हैं, लेकिन खैर उसके बाद आप लोग को पता है जैसे पाकिस्तान हार गया था वो 100 रुपये चले गए थे। और मतलब जब पाकिस्तान हार रहा था तो मैं सुबह से, मैं मैच था, मैं सुबह से उठ के बैठा हुआ था, लेकिन जब मैच ख़त्म हुआ तो सीरियसली जब कोई अपनी चीज़ जाती है, जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हार रहा था तो दिल कैसा हो जाता, तो मुझसे सीरियसली खाना भी नहीं खाया जा रहा था, लेकिन मेरे मम्मी अब्बू ने मुझे बोला बेटा खाना खाओ, उससे कुछ नहीं होता, ये हार जीत होती रहती है, खाना ना छोड़ो। मुझे आज तक याद है वो चीज़, बस इसलिए खाना नहीं खाया जा रहा था जब हम लोग मैच हारे थे। और उसके बाद मुझे आज तक याद है जब पाकिस्तान इंडिया से हारा था तो उस दिन मैं रात को ऐसे ही बाहर निकला हुआ था, और वैसे तो हम लोग मैच हारे थे लेकिन वो रात बहुत रौनक वाली रात थी, बहुत रौनक वाली रात थी, बहुत अच्छी रात थी। इसलिए मेरी ज़िंदगी में बहुत से लम्हे ऐसे भी आए जब मैं सोचता हूँ कि यार मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन बहुत से लम्हे ऐसे भी आए जब मैं कहता हूँ कि यार, क्योंकि मैं गलत था, मैं ये कहता हूँ। फिर आया 2016, अब मैं बात करता हूँ 2016 पे। तैयब, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स तैयब, यहाँ पे तैयब, मतलब इस जगह पे तैयब आया था 2015 में, लेकिन मेरी तैयब से दोस्ती हुई है वो ही है 2016 में। और 2016 में मुझे याद है 2016 में मतलब मेरे बहुत से नए दोस्त बने, बहुत नए दोस्त बने मेरी, बहुत मतलब बहुत सी मेरी मुझ में चेंजेस भी आई, हर साल मुझ में बहुत सी चेंजेस आती हैं। फिर 2000 मैं वैसे कोई ग्रेजुएशन तो नहीं मनाता लेकिन हम उसमें ऐसी चेंजेस आ जाती हैं। फिर 2016 की बात है, हमारे पेपर चल रहे थे, तो 4 दिन जो थे जब हमारे पेपर चल रहे थे तो बहुत एक डीप, बहुत उदासी से और बहुत मतलब एक गहरे दिन, तो वो मेरी जिंदगी के अच्छे दिन नहीं थे। 2016 के मार्च के दिन मेरे लिए इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरा उन दिनों में अपने दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया मैंने, बहुत दिन निकले। और उसके बाद फिर मेरा तैयब भी बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। और फिर 2016 में बस यही कुछ ख़ास हुआ। और 2016 के जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दिन जो थे, उन दिनों में मैं जिन दोस्तों को मैंने दोस्त बनाया था आज भी उनमें से कुछ दोस्त मेरे दोस्त हैं, कुछ मिलते नहीं, लड़ाई उनमें से किसी से भी नहीं हुई, लेकिन कुछ दोस्त मिलते हैं, कुछ दोस्त नहीं मिलते मुझे। और आज तक सीरियसली मैंने उन दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत टाइम स्पेंड किया, और आज भी कभी एक बार कर लेता हूँ। खैर फिर मेरी तो ये से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर 2017 आता है, फिर आता है 2017। मैं अगर कहूँ तो 2017 मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल है, क्योंकि 2017 में बहुत कुछ हुआ था। 2017 में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, और जीता भी तब था 18 जून को, 18 जून को मेरी बर्थडे आती वाला, मुझे तो मेरी बर्थडे का गिफ्ट मिल गया था। और उसके बाद फिर 2018 के बाद 2017 के बाद 18 जून को 2017 में मुझसे तैयब ने बात की थी, मतलब हम लोग उस वक्त यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं करते थे, मुझसे तैयब ने बात की थी यूट्यूब की कहानियाँ, फिर हम लोग वीडियोज वगैरह बनाना शुरू कर दी। मैं अपने दोस्त के साथ, तो उस वक्त हमारे साथ एक दोस्त भी होता था, वो भी हमारे बहुत सी वीडियोज़ में आया मार, तो मैंने उसको बताया तैयब बेटा यार ऐसी वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि बहुत सा इक्विपमेंट चाहिए होता है, कैमरे वगैरह, तो ऐसे फिर मैंने उसी बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन आज तक मुझे वो तारीख याद है। उसके बाद नेक्स्ट 2018 13 जून 2018 को मैंने तैयब से बात की। मैंने मतलब सीरियसली 2018 में मैंने जितनी YouTube देखी है ना, वैसे मैंने YouTube 2016 में देखना शुरू की थी, लेकिन मैंने 2018 में मैंने जितनी भी YouTube देखी है ना, उतनी मैंने शायद किसी साल में ना देखी है और ना देखूँगा। मैंने 2018 में इतनी YouTube देखी, मैं इतना इंस्पायर हुआ यूट्यूबर से कि मैं मजबूर हो गया एक यूट्यूबर बनने पर।
तो फिर उसके बाद 2018 में मैंने तैयब से बात की, तैयब क्यों ना हम लोग अपना यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। और तैयब वैसे मुझे इतनी बातों से मना नहीं करता, जो तैयब को बात लगता है कि सही है तो तैयब मुझे बोल देते हैं। तो 13 जून को हम लोगों ने प्लान बनाया, मैंने और तैयब ने, और मैंने सोचा कि तैयब हम लोगों ने अकेले कर लेंगे। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि अपना एक दोस्त डालते हैं काशिफ, काशिफ को हम लोगों ने डाला। काशिफ ने हमारे साथ 3-4 वीडियोज़ में काम किया, लेकिन काशिफ हमेशा नहीं आ सकता था, काशिफ को कुछ काम होते थे। तो हमने कहा यार इस तरह से तो फिर काम नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग अगर काशिफ को हमेशा इंतज़ार करेंगे तो टाइम तो कंटेंट तो टाइम पे नहीं बनेगा। फिर मैंने और तैयब ने अकेले जितना कर सकते थे हम लोगों ने, मतलब अपनी पूरी हसल लगा दी, पूरी जान लगा के जितना कर सकते थे किया। और हम लोगों ने फिर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी बनाया ठंडक, क्योंकि हम लोग की वीडियो बहुत छोटी छोटी सी थी। हम लोगों ने एक वीडियो बनाई ठंडक, जिसमें हम लोगों ने पता नहीं अपने कौन किन कौन दोस्तों को ले लिया, क्योंकि हमारे पास इतने लोग नहीं थे जिनको हम वीडियोस में ले सकें। मैं और तैयब हर सीन साथ में नहीं कर सकते थे, हमें 3 से 4 लोग तो चाहिए थे। और अगर ठंडक में देखा जाए तो हमारे मेरे दोस्त नुरैन, मैं, तैयब, सिराज, शरियार, तकरीबन 5-6 लड़के थे ठंडक 1 में। और उसके बाद फिर 2019 जो लास्ट ईयर था, 2019 आया, और 2018 में उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट की थी। 2018 में यूट्यूब करने के बाद 5-6 महीने बाद हम लोगों ने अपनी एक नई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करवाई, ट्रिक शॉट्स। हम लोग हर साल एक नई चीज़ करते हैं। 2019 में हम लोगों ने ट्रिक शॉट्स करे, उन्होंने ट्रिक शॉट्स बनाने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम लोग सब गाइस, हम लोग से स्किट्स इतने अच्छे नहीं हो रहे थे और ना हमारे पास कोई आइडियाज़ आते, तो ट्रिक शॉट्स बनाने में हम लोग को आज भी बहुत मज़ा आता है, हम लोग बनाते हैं ट्रिक शॉट्स। तो उसके बाद फिर मैंने और तैयब ने ट्रिक शॉट्स बनाए, और उसके बाद आज मैं और तैयब मतलब बहुत सारा काम कर चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। मतलब हम लोग को सिर्फ इतना, हम लोग को इतना सारा टाइम नहीं, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल हुए अभी यूट्यूब पर, और बहुत साल हमको यूट्यूब पे हो जाएंगे, जैसे 11 साल हमारी दोस्ती हो गए थे वैसे 11 साल यूट्यूब पे हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर 2019 में हम लोगों ने ट्रिक शॉट्स ऑर्गेनाइज़ करवाया, और 2019 में हम लोगों ने ठंडक का पार्ट 2 भी बनाया, जो इंशाल्लाह हम 2020 में भी बनाएंगे। ठंडक हम लोग करते रहेंगे, हमारे स्किट्स भी आते रहेंगे थोड़े बहुत जो हम लोग को दिल करेगा। वैसे तो हम लोग के मेन अब ट्रिक शॉट्स थे, और उसके बाद फिर आते हैं 2020 अभी शुरू हुआ है, लेकिन 2020 में मैंने और टीम ने वॉइस बनाने का भी सोचा है। 2019 में हम लोगों ने नई चीज़ ऑर्गेनाइज करा ट्रिक शॉट, हम लोग ट्रिक शॉट बनाना छोड़ नहीं रहे, लेकिन कभी कभार ऐसी पार्ट टाइम वॉइस भी कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। 2021 में कोई एक नई चीज़ और ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे। मैंने 2018 की आखिरी वीडियो थी उसमें भी कहा था कि 2019 में बहुत कुछ नया लाएंगे। मुझे वैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि हम लोग, मुझे बिल्कुल भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम लोग स्किट्स बनाना छोड़ देंगे। लेकिन खैर वैसे तो मैं झूठ बहुत बोलता हूँ, लेकिन ट्रिक शॉट्स हम लोगों ने एक नई चीज़ ऑर्गेनाइज़ करवा दी। और 2020 को आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, और मतलब यही मेरी पूरी ज़िंदगी थी। ये 18 मिनट में मैंने अपनी कुछ ज़िंदगी बयान कर दी, मतलब 2005, 6, 7, 8 नहीं बताया, 3 साल नहीं, तो हाँ 3 साल नहीं बताया, बाकी 9 से मैंने स्टार्ट किया, और 9 से लेकर मैंने आपको पूरा 20 तक बताया। और मैं अपने दोस्तों से इसलिए बहुत क्लोज हूँ, मैं बहुत क्लोज हूँ। और जहाँ तक बात रही पुराने दोस्ती की, तो आज तक मेरे साथ सिर्फ वही 2 पुराने दोस्त हैं, सिराज और ये काशिफ हसन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आप लोग बोर हो तो सॉरी, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है सो ठीक है, बाकी पीस, लाइफ इज गुड, पीस। I'm a rolling new sisters and I'm a lord.